अस्सलाम वालेकुम आरुख। वालेकुम अस्सलाम। मानूर जी मेरा पुत्र। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ बिलाल भाई। हुकम बेटा हुकम। मैंने ना आपसे दो बातें पूछनी है, एक मैंने आपसे रिश्ते के बारे में पूछनी है और दूसरी बहन के बारे में। दूसरा किसके बारे में? और रिश्ते के बारे में। एक हो गया रिश्ते के बारे में, तुम्हारा रिश्ता बेटा? हाँ जी, मेरा रिश्ता है, रिजवान लड़के का नाम है और अम्मी जी का नाम है रबिया। तो तुम्हें क्या इतराज है इस पे? उनकी ना कास्ट रहमानी है और हम लोग शेख फैमिली से। उनकी क्या कास्ट है? रहमानी। ये कास्ट रहमानी कास्ट होती है? मैं आ रहा हूँ। अच्छा, और दूसरा मसला क्या तुम्हारा? साया चाचू जो है ना, वो लोग नहीं एग्री हो रहे इस बात पे, मामा पापा लोग एग्री है, तो बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह इस तरह का हो रहा है। तो अच्छा, दूसरा वाला मसला बता दो जरा, क्या ये पहला बड़ा इंटरेस्टिंग है? जी, दूसरा वाला ये है कि जो तेरी बहन है ना, वो उसका नाम है मिनहल नूर। जैसे उसने ना लेट बोलना शुरू किया, 12 साल की जैसे उम्र में उसने थोड़ा सा बोलना शुरू किया है, और 5 साल में ना जैसे स्कूल में दाखिल करवाए तो वो पढ़ती नहीं है इतना। तो कोई जोर ना लगा उसमें, अगर वो डिलेड में है तो उसको आसानी दो, इसमें क्या मसला है? हम लोग चाहते हैं कि जैसे वो कुरान पाक पढ़ ले या कुछ इस तरह का कर ले। हम लोग जैसे काफी कोशिश करते हैं, साइकेट्रिस्ट वगैरह को भी दिखाया, वो कहते हैं इसमें ना स्लो लर्निंग है, इसको बाकी सारी चीजों का पता है, मोबाइल चलाने का सब कुछ पता है, लेकिन जो पढ़ाई। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें साइकेट्रिस्ट ने ये जो तालीम नहीं दी ना, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये जो स्लो लर्नर होता है ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बड़ी तेज होती है। दो चीजें इसके लिए जिंदगी में बड़ी आसान होती है, एक मैथमेटिक्स पढ़ना, एक कुरान हिफ्ज़ करना। दोनों का कुछ मैं दोनों का ताल्लुक समझता, कुरान में भी बड़ा मैथमेटिक्स है, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इस बच्ची के अंदर हिफ्ज करने का जो है वो आंसर नहीं है। इनकी मेमोरी जो है वो, और मैं तो आपने एक अजीब बात की है कि जो घर का सबसे डल बंदा होता है ना, वालदैन कहते हैं इसको हिफ्ज करा दो, वो हिफ्ज कर लेता है, वो हिफ्ज कर जाता है। अल्लाह ताला की ये एक बरकत। ये देखें, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है। और दूसरी बात, ये जो बहन ने पहली बात की है ना, ये तो कुरान पाक की आयत है, या अय्युहन नास उत्तकू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ये जो कबाइल और बिरादरी हैं, अगर इनके ऊपर गौर किया जाए तो आप मैं हम सब एक बाप आदम और एक माँ हवा की औलाद है। बुनियादी तौर पर हम आदमी हैं, इंसान हैं। ये जो शेख होना या रहमानी होना, या शेख होने की बजाय रहमानियों में शादी ना करना, ये कंसेप्ट इस्लाम है। ये कैसे ये किया कि हम हैं, ये मतलब ये कैसे फजीलत कैसे हो सकती है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ताला कहता है ये तो सिर्फ जाते बिरादरियां शिनाख्त के लिए है। बस जैसे आपने अपना नाम बिलाल रखा हुआ, मैंने शाम रखा हुआ, अब जाहिर फर्क तो करना ना लोगों ने। अगर मैं भी कहूं मैं भी आदमी हूं, आप भी कहें आदमी है, तो कुछ ना कुछ फर्क तो करना। आदमी 1, आदमी 2, आदमी 3, आदमी 4, ये हो सकता है या तो ये नहीं हो सकता। इसलिए ये कबाइल और ये जो कुंबे और कबीले हैं, इनके नाम तो रखे हुए हैं, लेकिन ये समझना कि मैं शेह हूं और मैं रहमानियों में शादी नहीं करूंगा। और रहमानी बुनियादी तौर पर कुम्हार को कहते हैं, तो उन्होंने अपना नाम रखा यार कुम्हार, तो एक शायद कोई कमतर जात है, तो हम अपने आप को रहमानी कहना शुरू करते हैं। तो अल्लाह माफ करे, ये बात तो मुआशरे में बिल्कुल बहुत ही ज्यादा नाकिस है, बहुत ही नाकिस है। और दूसरी जो नाकिस बात है ना, दैट इज कि एक्सटेंडेड फैमिली, चाचों का तायों का, आपके जब वारसीन जिंदा हैं, माँ बाप आपके हैं, आप हैं, सबसे ज्यादा राय आपकी है, माँ बाप की राय है, वो आपके वली हैं, उनकी राय के बाद जो बाकी लोग हैं वो भी ये कमतर बात मैं कहूँगा कि कर रहे हैं अगर, तो मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है। उनकी हदायत के लिए दुआ करें, ये लोग अच्छे हैं, ये रिश्ता अच्छा है, अगर वो आप चलना चाहें तो मेरे ख्याल में बाकी लोगों को भी बीच में ज़रूर शामिल करें। अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा, ये हो जाएगा इंशाअल्लाह।